नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे थे जो आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस तरह के हम लोग 36 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 37वां टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 37वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पहली बार लगातार 3 वर्षों तक भारत का चालू खाता अधिशेष देखा गया। सही कथन है। भुगतान संतुलन किसी अर्थव्यवस्था के चालू खाते एवं पूंजी खाते का शुद्ध परिणाम होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दोनों कथन सही है। क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, यहां बता दें आपको, चालू खाते के बारे में बता दें आपको, सामान्य जानकारी दे देते हैं। चालू खाते का तात्पर्य होता है कि ऐसे खाते से जिसे सभी देशों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है तथा सभी प्रकार के वर्तमान लेन देन में इसमें दिखाए जाते हैं। मूल रूप से इस खाते को सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंकिंग निकाय द्वारा सुरक्षित किया जाता है, ठीक। और जो आपका पूंजी खाता होता है, ये विश्व में सभी सरकारें पूंजी खाते का प्रबंधन करती हैं जो बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ पूंजीगत लेन देन को प्रदर्शित करता है। विदेशी मुद्रा के किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन देन इस खाते में दिखाए जाते हैं, पूंजी खाते में। और जो आपका भुगतान संतुलन होता है, ये एक वर्ष में अर्थव्यवस्था का बाह्य विश्व के साथ कुल लेन देन का परिणाम अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहलाता है। यह मूलतः किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजी खाते का निवल परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया जाता है। किसी देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों की पहचान करने के लिए सही है। अर्थव्यवस्था की क्षमताओं और असफलताओं के आकलन हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए, ये भी आपका सही है। कार्यान्वित की जा रही नीतियों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करने के लिए, ये आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर दो में आपके तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। तो इसमें आपका डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। सही है। किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन के एक चरण से दूसरे चरण तक स्थानांतरित होती हैं, ये भी आपका सही है। जीडीपी को मापने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर तीन में आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये अंतिम उत्पाद के निर्माण तक उत्पादन के चरण से दूसरे चरण में जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए इस्पात, रंग, रबड़, फोम, प्लास्टिक, कांच, केबल, बैटरी आदि। और आपकी अंतिम वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं उपभोक्ताओं या फर्मों द्वारा अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इन वस्तुओं के रूप में अंतर वस्तु को बदलने के लिए उत्पादन या पुनर्विक्रय के अगले चरण में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये अंतिम उपभोग और निवेश के लिए तैयार उत्पाद होते हैं, अंतिम वस्तुएं। जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। तीसरे में आपके तीनों कथन सही थे। क्वेश्चन है हमारा चार, राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार ही करना है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देश भर में लोगों को विभिन्न प्रकार के परिवहन शुल्क और पथ कर टोल टैक्स का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। सही है, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। ये आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, किसने, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड को देश भर में खुदरा खरीदारी के अलावा विभिन्न महानगरों अन्य परिवहन प्रणालियों के जरिए निर्बाध यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है। किसे, किसने, आवास और शहरी मंत्रालय ने, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 5। जीडीपी अब स्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुद्रा स्फीति का एक मापक है, सही है। इसे वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी के से विभाजित कर प्राप्त भागफल में 100 से गुणा करने करके प्राप्त किया जाता है, यह आपका गलत है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं की एक निर्धारित बास्केट पर आधारित है, ये भी आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है 5वें में, और 2 और 3 गलत हैं। वास्तविक जीडीपी की बात करें और सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी अनुपात में 100 से गुणा कर इसकी गणना की जा सकती है, जबकि प्रश्न में लिखा है कि वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी से विभाजित कर प्राप्त भागफल में 100 से गुणा करके इसे प्राप्त किया जाता है। मुद्रास्फीति के अन्य सूचकांक जैसे CPI, WPI इस बास्केट पर आधारित होते हैं, जबकि जीडीपी अप स्फीति कारक के लिए बास्केट को साल दर साल लोगों की खपत और निवेश पैटर्न के साथ बदलने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक ऑप्शन केवल सही था। क्वेश्चन है आपका 6वां। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीडीपी अप स्फीति कारक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, सही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल सूचकांक जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है। क्या है, 6वें में आपके दोनों कथन सही हैं। जो जीडीपी अप स्फीति कारक है, यह वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के बीच का अनुपात होता है, ठीक। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका दोनों कथन सही थे, सी ऑप्शन यानी कि सही है। क्वेश्चन है 7। भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि अर्थशास्त्रीय संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। वर्तमान समय में टैक्स जीडीपी अनुपात 1980 के दशक की तुलना में अधिक है, ये आपका गलत है। पिछले कुछ वर्षों से राजकोषीय घाटे में कमी आ रही है, ये आपका सही है। दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। जब अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाती है तो भारत का कर जीडीपी अनुपात कम होता है। हालांकि भारत का कर संग्रह औसत से थोड़ा ऊपर है, जो देश का औसत आय प्रदान करती है, किंतु भारत का जीडीपी अनुपात स्थिर बना हुआ है या इसकी वृद्धि दर सुस्त है, इसमें क्या दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 8। भारत के विकास एजेंडे को बदलने के उद्देश्य से सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के कार्य हैं, कौन से नीति आयोग के कार्य हैं। राज्यों के साथ संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सही है। राज्यों के बीच उभरने वाली भावी विवादों के संबंध में पूछताछ कर निर्णय करना, ये आपका गलत है। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों की मसौदे तैयार करना और उनकी प्रगति एवं प्रभावीता पर नजर रखना, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका नीति आयोग आया हुआ है, ये आपका
योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है। किसे? योजना आयोग को। नीति आयोग योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। सरकार का उद्देश्य भारत के परिवर्तित विकास एजेंडे पर कार्य करना है। इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से योजना से नीति का नारा दिया गया है। नीति आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: सरकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, साझा राष्ट्रीय एजेंडा, केंद्र में राज्य का सबसे अच्छा मित्र, विकेंद्रीकृत योजना, बीजन तथा नियोजन परिदृश्य, विवाद समाधान, आंतरिक परामर्श, क्षमता निर्माण, निगरानी तथा मूल्यांकन। इसे प्रमुख सौंपे गए कार्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 1 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनिवार्य नियोजन में अर्थव्यवस्था को संचालित करने में बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सामान्यतः निर्देशात्मक नियोजन का अनुसरण करती है। ये आपका सही है। दूसरा कथन 9वें में आपका सही है। पहला आपका गलत है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला कथन आपका गलत है। बाजार की लगभग कोई भूमिका नहीं इसमें। बाजार की राज्य सरकार द्वारा केंद्रीकृत तरीके से किए जाने वाले सभी आर्थिक निर्णयों के साथ कोई मूल तंत्र नहीं है इसमें। ठीक है, तो याद रखना 9वें में आपका दूसरा है सही कथन। क्वेश्चन है हमारा 10। पूर्वोत्तर के लिए नीति फॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसका सह अध्यक्ष होता है। ये आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जीडीपी के अनुपात में के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत में कमी आई। सही है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल बचत में घरेलू बचत का हिस्सा बढ़ रहा है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है। क्या है? एक कथन है इसमें सही है। दूसरा कथन आपका गलत है। दूसरे में सही होगा कि बचत के बड़े हिस्से के लिए घरेलू क्षेत्र का महत्व है। हालांकि 2011-12 में कुल बचत में घरेलू बचत का हिस्सा लगभग 68% से घटकर 2015-16 में 59% हो गया। कितना? 59%। ठीक है, तो यानी कि घट रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होगा 12। क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोले वेटलैंड वेम्बनाड वेटलैंड का एक हिस्सा है जो कि एक रामसर साइट है। सही है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका गलत है। ये कहाँ है? आपका केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, इसमें एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन है हमारा 13। स्वीट स्पॉट अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। स्वीट स्पॉट अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जब किसी अर्थव्यवस्था में मजदूरी के भुगतान के चलते मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के बिना रोजगार का वर्तमान स्तर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो 13 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। सही है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है। क्या है? एक कथन सही है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक पहल है, ना कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। किसकी है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 15। वनाग्नि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की वन नीति अपने संरक्षित परिदृश्यों के लिए सुन्न वनाग्नि
दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, सही है। सीमित वाना अग्नि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में से एक है, ये भी आपका सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही है, यानी कि 15 में सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल कार्यालय है, ये आपका सही है। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, ये भी आपका सही है। तो 16 में आपके दोनों कथन सही हैं, क्या है, दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 17, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मामलों के संबंध में निर्णय करता है, सही है। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके दोनों कथन सही है। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन किया है, यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक व्यापारी द्वारा किसी ग्राहक से उसके द्वारा किए गए ऑनलाइन भुगतान के लिए लिया जाने वाला शुल्क है, गलत है। सरकार डेबिट कार्ड भीम UPI या आधार सक्षम भुगतान प्रणालियों के माध्यम से सक्रिय किए गए 2000 रुपये तक के लेन देन पर MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क लेती है, ये आपका सही है, क्या है, दूसरा कथन सही है। MDR जो आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, किसी व्यापारी द्वारा ग्राहकों से उनकी प्रतिष्ठानों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा कथन सही था, क्या था, केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 19, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है, यह आपका सही है। यह केवल नासा संयुक्त राज्य अमेरिका और ESA यूरोप के बीच एक संयुक्त परियोजना है, यह आपका गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है, क्या है, एक कथन इसमें सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। दूसरे में आखिर सही क्या होगा, तो याद रखिए कि ISS कार्यक्रम 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये एजेंसियां हैं आपकी नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की, रोस्कोसमोस रूस, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। लेकिन इसके स्वामित्व एवं उपयोग के संबंध में अंतर सरकारी संधियां और समझौते के तहत निर्णय लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री G1 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे देश भर में 2G एथेनॉल क्षमता विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में शुरू किया गया है, सही है। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ये भी आपका सही है। इसमें आपके दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में तकनीकी संस्था सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ठीक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार ही करना है। सरकार का उद्देश्य 2022 तक 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, सही है। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल से प्राप्त होते हैं, यह भी आपका सही है। तो इसमें आपका 21 में दोनों सही हैं,
है, दोनों सही हैं। पहली पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन खाद्य फसलों से किया जाता है, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन गैर खाद्य फसलों से किया जाता है, और तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन शैवाल से किया जाता है, और बायोमास सामग्री को परिवर्तित करके चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। 21 में आपका सी ऑप्शन सही, दोनों सही थे कथन। क्वेश्चन है 22, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये आपका गलत है। इसका उद्देश्य सम्मिलन प्रौद्योगिकी के उपयोग और लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण की समस्या का समाधान करना है, ये आपका सही है। दूसरा कथन सही है, एक कथन आपका गलत है। जो आपका पोषण अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है हमारा अगला, इसमें होगा आपका दूसरा कथन, ठीक है, सही था। क्वेश्चन है हमारा 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का होता है। किसका होता है? राजस्व विभाग का होता है, ये आपका गलत है। भारत की संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है, ये आपका सही है। दूसरा कथन सही है, ये कथन आपका गलत है। आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक मामलों का केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में कौन सा संचित निधि के तहत गठित किया गया था? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उधार लिया हुआ धन एवं सरकार द्वारा दिए गए ऋण प्राप्तियां भारत की संचित निधि में समाहित होती हैं। भारतीय संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। तो इसमें आपका दूसरा कथन केवल सही था, ठीक है, 23 में। क्वेश्चन होता है फिर हमारा 24, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सरकार और नागरिक समाज दोनों प्रकार के संगठनों से मिलकर बना है, सही है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस IUCN द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है, ये आपका गलत है। इसमें आपका एक कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। IUCN द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस पर्यावरण के संरक्षण और वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। क्वेश्चन है अगला हमारा 25, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण से संबंधित है, सही है। यह योजना खान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये भी आपका सही है। यानी कि 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा 25 में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे, ठीक।